सो हमने प्लान बनाया था 7 बजे का, बट ऑलरेडी यहाँ पे 8 बज चुके हैं। अबे 8:15 होने, अबे यार तुम टाइम मेरे को 8:20 हो रहे हैं। बोल कुछ नहीं, शट अप। बोल अब बोल। हाँ तो बस अभी हम जा रहे हैं, आपको पता ही है कहाँ, देखते हैं आगे। एक तो 8 बजे रिक्शा मिलना बहुत मुश्किल है मेट्रो प्रदेश। मैं रटेल चौक पहली बार आया, इतना सुंदर बनाया यार ये, पता नहीं था। मतलब इसमें भी आप कम से कम 5-10 मिनट तो घूम सकते, देख सकते सब कुछ। ये पूरा मैप बना हुआ है सामने यार। तो देखो मैं पहली बार आया हूँ मेट्रो में बंगला साहिब, दोस्तों के साथ वो भी। सो यार मेरे को नहीं पता, कई लोगों को बहुत पता होगा इस बारे में, बट कई लोग भी पहली बार आ रहे होंगे मेट्रो। तो कहते हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि दिखाते हैं ऑनलाइन हमेशा राजीव चौक है कि पास होता है, बट एक्चुअल में पटेल चौक सबसे पास माना जाता है। सो यार मैं सजेस्ट करूँगा कि ना, जैसे आप पटेल चौक पर उतरोगे, आप किसी भी गेट से निकलो, आप सेम रोड पर आते हो, अपोजिट साइड्स पर होते हैं, तो क्या कहते हैं। और यार वहाँ से बंगला साहिब बहुत पास है, तो आप पैदल भी जा सकते हो, और बाकी अगर किसको नहीं माना चलने का तो आप फिर कहते हैं रिक्शा ले सकते हो, 10 रुपये के हिसाब से मिल जाता है, 10 रुपये पर पर्सन। और अच्छा जा रहे हैं, और लोग कोई मतलब नहीं जाए। हाँ कुछ नहीं, अब बोल मैं बोल रही हूँ, मेरी वीडियो खास नहीं डाल रहा, एक बार मैं तेरा ब्लॉग नहीं ख़राब करने आती थी इसलिए मैंने नहीं बोला, पर तूने बुलवा दिया मुझे। बढ़िया है ना, बोलो यार, ऐसी तो मजा आएगा। तेरी वीडियो सही बात है, सो यार काफी बढ़िया दर्शन हो गए। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सीपी साइड, थोड़ा कुछ खाने की भूख लग रही है, सुबह से कुछ खा के आए नहीं थे, तब नहा धो के बस उठ के आ गए थे। ये भागा 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 भागा। और यार ठीक है, बोल देना आराम से। हाँ तो अभी हम सीपी जा रहे हैं, अब देखते हैं सीपी में क्या खाते हैं, उसके बाद आगे भी जम्बा लम्बा प्लान है। मिल नहीं रहा सर, उन्होंने कहा है। हाँ जी आप कौन? अबे ये बेचारा कैमरा शायद बहुत ज़्यादा। ओहो भैया भाई, ये तो वेटिंग वाली जगह निकली। अभी हम कहते हैं सरवन भवन गए हुए थे, वहाँ डोसा खाया सुबह, और अभी यूलू बाइक्स रेंट करेंगे और देखते हैं, फिर अभी सीपी घूमते हैं या इंडिया गेट जाते हैं। काफ़ी पेट भर गया है। एक बात और कि सरवन भवन तो यार काफ़ी टेस्टी था, अगर आपको डोसा पसंद है आप आके ट्राई कर सकते हो। नगर मज़े आ रहे हैं, दोनों है। सो यार फर्स्ट टाइम यूलू एक्सपीरियंस। अभी हम जा रहे हैं इंडिया गेट की तरफ यूलू पे, काफ़ी आसान प्रोसेस है, वहीं पहुंच के बताता हूँ। ठीक है एक सेकंड में को रुक जाओ, एक सेकंड में को रुक जाओ। ग्लासेस पहन दो, ग्लासेस पहन दो यार। देखो मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि कभी आओ ना तो यूलू जरूर चलाना, जहाँ पे भी मिले आसपास में। और अगर आप इंडिया गेट सॉरी मास्क वगैरह सी पी ऐसी जगहों पे आ रहे हो यार, तो हाँ तो मिल ही जाएगी,
तो जरूर चलाना, बहुत मजा आएंगे। नॉमिनल सा फेयर है, बहुत मजे। लाइक मेरे को नहीं लगता कि आप इतना कहते नॉर्मल पैदल घूम के मजा कर पाओगे, इतना यूट्यूब में मजा आ रहा है। और अभी हम राष्ट्रपति भवन है सामने, हाँ ये इंडिया गेट। मेरे को तो याद भी नहीं, हम नवे तो कितने टाइम बाद आ रही है इंडिया गेट। बहुत आई स्वेयर बहुत ज़्यादा। तो यार याद भी नहीं लास्ट टाइम कब आए थे। जब आए थे लास्ट टाइम तो हम मम्मी पापा के साथ आए होंगे सारे, ऑलमोस्ट वो भी रात को। वो याद है वो जो वो एक वो टॉय मिलता था जिसको वो हेलीकॉप्टर था वो लाइट के साथ उड़ता था, भाई साहब क्या दिन थे यार। वो भी अभी भी होगा। हाँ मतलब अभी भी है बट क्या पता। हाँ यार यहाँ पे कुछ मेला टाइप लगा हुआ है तो उससे भीड़ है, और हमारे बिल्कुल ऑपोजिट ये इंडिया गेट है। आस पास ही घूमे, ये इंडिया गेट है। और अभी हम मॉल यूज करेंगे आस पास। यार देखो पता तो नहीं किस वजह से बट यार यहाँ पे ना बैनर वगैरह लगे हुए हैं तो बंद है, उस साइड तो जा नहीं सकते। और इस साइड जैसे बताया आपको मेला लगा हुआ है। ओह मिल गए, ये लोग आगे खड़े हैं, मैं इनको पीछे ढूंढ रहा हूँ। वो देखो वो दोस्त बाकी, ये राष्ट्रपति भवन है। ये भी सब बंद पड़ा यार, अभी हम वापस जा रहे हैं सीपी। मजा आ जाए ना भैया। यार ये एक्सपीरियंस बहुत कम मिलता है पता है, हमने भी पहली बार करा है, बहुत मजा आ रहा है भाई। क्या तेरे को पता नहीं मैं वीडियो में कितनी बार कह चुका हूँ बट यार आना, आओगे ना चलाना जरूर, बहुत मजा है। पर हाँ यार देख लेना जिन लेंसेज लगाते हो यार, कोई ना कोई ग्लासेस लेंसेज मत लगाना, इनको शेड्स लेके घूमना साथ में क्योंकि यहाँ पर थोड़ा फूट उठता है। हाँ हाँ बोल यार, इतना अच्छा लगता है जब ऐसे झंडा इतनी अच्छी तरह फहराता है ऊपर। ऑनलाइन भरना पड़ता है, ये देखो 200 रुपये भरने पड़ते सिक्योरिटी के। हाँ ऐड जैसे बंद करोगे तो 200 रुपये वापस आ जाएंगे, बाकी 150 रुपये पर मिनट के हिसाब से, और 5 रुपये तो देने देने कम से कम। ऐसा सीन चला के देखो, बहुत मस्त चीज़ है। अच्छा मुझे ये नहीं पता था बट बढ़िया है जो भी कहो। यार ये चीज़ देख के ना सबका ही मन करता है, अरे यार सबको ही जानना है भाई कैसी है। बहुत बढ़िया यार मज़ा आ रहा है, अच्छा है, लोगों ने क्यूरियोसिटी बढ़ दी है, काफ़ी चल जाएगी ये चीज़। और हम पहुंच गए, हमें बढ़ेगी भी डॉल। तो मैं बताता हूँ सीन ऐसा था, जब हम यूलू पे घूम रहे थे तो इसका मन नहीं था चलाने का, तो किसी रिक्शा वाले को करा और उसे इतना पपड़ कराया। हम यहाँ पे चल रहे हैं, साइड में जंतर मंतर है और उसको बोलता 8 किलोमीटर दूर है चलो मैं लेके चलता हूँ, 100 रुपये मांग रहा था। तो किस्मत अच्छी है तो गए नहीं। कैसा लग रहा है आपको, आपका इतना पपट कराया कि दिन में उसने। इसको बंद कर यार, अब ये थोड़ा इरिटेट हो रहा है। चलो तो अभी बस हम घर जा रहे हैं और इसको हम थोड़ा बहुत घूमे और बस अब घर जा रहे हैं, थक गए हैं बहुत। सुबह के निकले हुए हैं, 3 बज गए हैं यहाँ पे। तो चलो इस भाई की एकेडमी है, भाई की एकेडमी भी उसको जाना जल्दी, तो तो ठीक है इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। यार अगर अच्छी लगी हो और यहाँ तक देख चुके हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर ऐसी बढ़िया सी वीडियो में, फिर देन बाय बाय। सो अब ने प्लान बनाया था 11 बजे, अभी 11 करता तो अब हम बस घर जा रहे हैं। हाँ तो अभी हम बस गए। क्या हुआ यार?